कच्चे के इलाके से डाकुओं का कैसे सफाया किया जा सकता है? डिफेंस के फेज एड के 3-4 बंगले बता रहा हूँ, वहां से उन सरदारों को उठाए, उनके गनमैनों को उठाए और 3 घंटे अपने पास रखे। सवाल मैं लिख के दूंगा 4 जो भी उनको इंट्रोगेट करे। अगर ये काम डाउन सिचुएशन ना हो तो जो सजा आप देना चाहिए। सिंध और पंजाब की पुलिस से बेखौफ, कच्चे के डाकुओं ने तावान न देने पर 2 हफ्ते में 3 मुखबिर कत्ल कर दिए। रुझान में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 55 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। थाना ई सेक्शन के हदूद में कच्चे के डाकुओं, कश्मीर पुलिस ने कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। कच्चे के इलाके घेलू पुलिस एक बार फिर नाकाम हुई और इस बार फौज भी पहुंच गई। जो 24 होस्टेज पुलिस ने, जेकबाबाद डिस्ट्रिक्ट में जखराई ट्राइब के कोई सब ट्राइब के 2 डाकू मरे थे, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। 50 लाख रुपया पुलिस पार्टी पे जुर्माना आयद किया गया एक सरदार की तरफ से कि आप भरो, आपने चोर को क्यों मारा, एनकाउंटर क्यों किया। आप मुझे बताएं कच्चे के अंदर कौन से सरदार का बेटा मुगवी इस वक्त, कौन से सरदार का भतीजा कोई अगवा। ये अगर इतने ही लातालुक होते सोसाइटी से और ट्राइब से तो ये सरदारों को भी उठाते, उनके बच्चों को भी उठाते, फिर हम समझते कि भाई इनको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं। एक सिपाही है वहां का, ये गुलाम नबी मेमन साहब आईजी पावरफुल है, ईमानदार है, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं, कोई बीट नहीं लेता, मैं मानता हूँ। लेकिन आप मैं उनको चैलेंज करता हूँ, उस सिपाही का मैं नाम आपको देता हूँ, उसको हटा के देखें, 2 दफा हटा के चुके हैं, 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाते, बी कंपनी में भी डाल चुके हैं। एक सिपाही और आईजी से आईजी नहीं हटा सकता। माँ बहन की गालियां बकते हैं एसएसपी को कि तेरे बाप में दम है, तू इधर आके देखा। देखिए जेकब बाबा कंबर शहजाद को कंदकोट कश्मीर और गोट की, ये 4 अजला, इसमें अगर एक एसएसपी लगता है ना सिर्फ 6 महीने सर्वाइव कर जाए तो अपनी आइंदा की 2 जनरेशन वो फिनेंशियली साउंड और वेल ऑफ करके निकलते हैं। जो एसएसपी के बेटे पैदा होंगे ना उनका भी कैपिटल मिल जाएगा उसको 6 महीने में। जो मेरे ट्राइब का सरदार है जुल्फकार खान सरकी साहब, वो गड़ी ठुल से जेकबा से निकल के फेज 8 में जिरगे कर रहा है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, हाई कोर्ट की पाबंदी आपके प्राइवेट जिरगे पर। आप क्या समझते हो पीपुल्स पार्टी को कोई सिंपल मेजॉरिटी है या पीपुल्स पार्टी का इतना बड़ा मैंडेट है? बिल्कुल नहीं भाई। आज सरदार अलग हो जाए, हर कबीले के सरदार ये जीत नहीं सकते। अच्छा सरदार इनके साथ क्यों जुड़े हुए, क्योंकि सरदार 99% किराए में इन्वॉल्व। सिंध हुकूमत अपने आप को इनकाउंटर करना चाहेगी हाफ किराए या फुल किराए, कभी भी नहीं। तो ये उनका स्पाइनल है भाई, ये आप मुझसे लिख लें, हम 2 साल बाद भी अगर इस पर प्रोग्राम करेंगे ये हालात इनसे ज़्यादा बदतर होंगे। अभी पता नहीं कौन सी कमज़ोर रियासत है कि जो भारत से लड़ने की बड़ी हम दावा भी करते हैं और विल पावर भी रखते हैं और हम कैपेबल भी हैं, कच्चे पे आके हम पता नहीं हमारा क्यों कमजोर दिखाई देते हैं, वो विल नजर नहीं आती। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाजिम आज हम बात करेंगे कच्चे के बारे में। कच्चे का नाम आता है तो सिंध और पंजाब का जो बॉर्डर है कच्चे के डाकुओं की लाजमी जिक्र होता है और आजकल आपको पता है हर जबान जदे आम है कि कच्चे के डाकू। ये है क्या, कच्चे के डाकू कौन है, इनकी तादाद कितनी है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनके पीछे कौन खड़ा हुआ है, इन सब बातों पर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं मुश्ताक सरगी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम दिया। सर ये बताइए कच्चे का इलाका है कौन कौन सा? देखिए ये तो अभी हर जुबान पर नाम है कच्चा कच्चा और इसके डायनामिक्स भी पता चल चुके हैं आवाम को और बिलखसूस जो अवेयरनेस इस वक्त मीडिया पे है आपके सामने। कच्चा बेसिकली एग्जिस्ट करता है डिस्ट्रिक्ट कंदकोट कश्मीर और इसका जो बॉर्डर एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट घोटकी, फिर अगर डिस्ट्रिक्ट घोटकी से हम आगे चलते हैं फिर वो आ जाता है कोट सफजल, यानी ये 2 सूबों का 3 अजला पर मुश्तमिल एक संगम है और वहाँ पर एक खुद साख्ता जो दुनिया कायम की गई है डाकुओं की तरफ से उसको कहते हैं कच्चा। अब कच्चा तो हमारे जो लुगत में है अंडर प्रिविलेज एरिया को कहा जाता है कि कच्चा जहाँ पर न गैस हो न बिजली हो न पानी हो न लाइट हो, इस तरह जो
बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी उसके फुकदान पे मुहित जो इलाका होता है उसको कच्चा कहा जाता है। लेकिन बदकिस्मत से ये कच्चा वो नहीं है। यहाँ पर आपको लाइट भी मिलेगी, यहाँ पर आपको गैस भी मिलेगी, यहाँ पर आपको पानी भी मिलेगा, यहाँ आपको जदीद टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और यहाँ आपको मौतमार खूनखार हथियार भी मिलेंगे। तो ये कच्चा अपनी एक अलग पहचान रखता है और बिलखसूस जो हालिया दिनों में एक हाइप क्रिएट की गई है नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, उसके बाद उस कच्चे की अहमियत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कच्चा इस वक्त खौफ की अलामत है, सिंध और पंजाब में खौफ की अलामत है, सिंध के अरबन एरियाज के लिए खौफ की अलामत है, पंजाब के मुख्तलिफ अजला के लिए खौफ की अलामत है कि हमारा जो कच्चे से मुलहक इलाका है, मुलहका इलाका या मुंसलिक जो भी एरियाज हैं पक्के के, उनके जो मकीन हैं, उनके जो सिटीजन्स हैं, इलाका मकीन हैं, वो भी इतना इनसिक्योर फील करने लगे इस कच्चे की वजह से। क्योंकि हमारे पास माजी करीब में जो कच्चे की आइडेंटिटी थी वो ये थी कि कच्चे में बड़े एक आदर्शी लोग रहते थे, बड़े कबायली कस्टम्स को लेके चलते थे, उन रवायात को लेके चलते थे जहाँ पर वहाँ वेलकम किया जाता था, ज़मीनें घुमाई जाती थी, खिदमत की जाती थी, मेहमान नवाजी की जाती थी। डाकू तो उस वक्त भी थे लेकिन उनके कुछ प्रिंसिपल और कायद और जवाब थे, लेकिन आजकल ये पता नहीं कौन लोग आ गए जिनको न बच्चों का एहसास है न ख़वातीन का एहसास है, यानी जो आता है जी में करते जाते हैं और रियासत की रेट आपको कहीं नज़र नहीं आती, उसको कच्चा कहते हैं। सर, इस कच्चे के इलाके में कितने गैंग काम कर रहे हैं इस वक्त? देखें बेसिकली ये रेंडम गैंग्स हैं जो बाद में ऑर्गेनाइज हो गए। वो इसलिए डिस्ट्रिक्ट्स की हम अगर बात करते हैं, सिंध के कबायली अजला जैसे कंदकोट कश्मोर है, घोटकी है, जैकबाबाद है, शिकारपुर है, सखर, अब तो खैरपुर भी है, यानी ये वो अजला है जहाँ पर आपके ट्राइबल क्वारल्स चलते हैं, ट्राइबल डिस्प्यूट्स चलते हैं, एक सरकी कौम का झगड़ा किसी पवर कौम से चल रहा है, किसी कम्युनिटी से चल रहा है, वो आपस में जब उनके कबायली तसादम होते हैं, लोग एक दूसरे के मारते हैं, फिर रियासत मुकदमे दर्ज करती है, फिर सरदार इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो ट्राइब्स जो हैं उनके लोग जाके एग्जाइल करते हैं, वहाँ पर रूपोश हो जाते हैं। जब वो रूपोश आते हैं, अब मेरी कौम का बंदा है, अब जैसे कच्चे में 5-7 जातें जो सिंध की मशहूर जातें जिसमें सब्जोई है, चाचड़ है, जागीरानी है, भयो है, तेगानी भी है, तेगानी है, यानी तेगानी तो चलो एक ट्राइबल चीफ है लेकिन उसके जो सब ट्राइबल ट्राइब्स हैं उसकी भी शाखें कई, फिर उसके जो सब ट्राइब होता है, अब मैं सरकी हूँ, मेरे सरकी के कोई 17-18 सब ट्राइब्स हैं हमारे। तो इस तरह हर सिंधी कौम या बलोच कौम में जो भी आइडेंटिटी है उसमें फिर उनके ट्राइब्स के फिर सब ट्राइब्स होते हैं। तो इस तरह कच्चे में इस वक्त तकरीबन कोई 8-12 ट्राइब्स हैं जो बासर ट्राइब्स हैं और उनके अलग अलग अपने गैंग बने हुए और वो अपने अपने इलाकों को लीड करते हैं, रूल करते हैं और अपनी मर्जी के वारदात करते हैं और अपनी मर्जी से सारा वो जो भी उनका तरीका है वारदात है, यानी जो हुक्मरानी करते हैं अपने अपने इलाकों में, तो इस तरह 8-12 गैंग वहाँ रूल करते हैं। अच्छा मुश्ताक साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपने बताया कि 4-5 जो आपके 8-12 लोग ये हैं, तो ये पूरे सब गैंग बन गए हैं, अब ये सिर्फ यही काम कर रहे हैं क्या? देखें अब तो उनको ये लस्ट लग गई है कि किस तरह अगवा किया जाता है, किस तरह तावान तलब किया जाता है, किस तरह पैसे, अब तो पैसों की भी वीडियो शेयर कर रहे हैं, लाखों रुपए रख के देखें हम विन विन पोजिशन में। एक होता है क्राइम करना, एक होता है क्राइम करने के बाद रियासत का मुंह चढ़ाना, यानी ये वो लोग हैं, एक तो क्राइम कर रहे उसके बाद ये खुद चैलेंज करते हैं इलाका एसएसपी को, ज़िले एसएसपी को करते हैं, एजेंसीज को करते हैं, हुक्मरानों को करते हैं, यानी इंटायर जो स्टेट सिस्टम है उनको ही चैलेंज करते हैं। किस तरह करते हैं, आपने देखा होगा कि चंद माह कबल कच्चे में एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, फिर जब वो ग्राउंड पर उतरे तो आपने देखा SHOs के SHOs वहाँ वो किडनेप हो गए, बख्तरबंद गाड़ियों को उन्होंने डैमेज किया, उसके ऊपर खड़े होकर जश्न मनाए गए, फिर वो वीडियोस भेजी गई, यानी ये होता है रियासत का मुंह चढ़ाना। अभी पता नहीं कौन सी कमजोर रियासत है कि जो भारत से लड़ने की बड़ी हम दावा भी करते हैं और विल पावर भी रखते हैं और हम कैपेबल भी हैं, फिर हम
आलमी कुवतों को भी आंख दिखाते हैं, फिर हम राह को भी चैलेंज करते हैं, फिर हम अफगानिस्तान की एजेंसी को भी करते हैं, फिर कभी कभी MI6 को भी तड़ी दे देते हैं, कभी कभी CIA को भी आंखें दिखा देते हैं। कच्चे पे आके हम पता नहीं हमारा क्यों कमजोर दिखाई देते हैं, वो विल नजर नहीं आती। तो ये मुंह चढ़ाने वाले जितने भी क्रिमिनल्स हैं, ये कोई इतने बड़े नहीं है, इनकी इतनी बड़ी तादाद नहीं है, यानी मुझे समझ नहीं आती कि इनके पीछे कौन है और ये इतने ताकतवर तरीन क्यों बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। एक तरफ मासूम पाकिस्तानी है, एक तरफ मासूम हमारे सूबा सिंध के लोग हैं। मैं मासूम पाकिस्तान इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर पश्तो भी मगो भी मिलेगा आपको, वहाँ पर आपको पंजाबी किडने भी मिलेगा, वहाँ पे आपको हजारेवाल के मिलेंगे, मिलेंगे सिंधी तो है ही है। मैं आपको दीगर सूबों की बात कर रहा हूँ कि वो तो सब पूरे मुल्क को चैलेंज किए बैठे। तो चलो भाई सिंधी तो है ही लावारिसम, हमें तो चलो सरदार पैसे लेके छुड़ा देगा, बाकी तो लोगों के लिए रियासत एक्टिविज्म का मुजाहरा करे। मुझे समझ नहीं आती कि अगर हुकूमती रिट कायम करनी हो, मेरे ख्याल में कोई एक हफ्ते का ऑपरेशन भी बड़ा होगा, उससे पहले इनका कला कम हो सकता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, आपके पॉडकास्टिंग के थ्रू सवाल करते हैं कि उनके उनकी मजबूरियां क्या है, उनकी मसलतें क्या है, उनकी मफाहमतें क्या है, ये पब्लिक को बताना चाहिए ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर आके हुकूमत रिट क्यों कमजोर पड़ जाती है। सर इनकी तादाद कितनी होगी और दूसरी चीज ये कि इनके पीछे से बैकअप क्या है? तादाद मेरे भाई 2000 के लगभग ये लोग हैं। आप शौक होंगे कि 2000 कुछ नहीं है, तीन डिस्ट्रिक्ट के 2000 लोग हैं, जिनके पास इस वक्त 280 से ज्यादा मुगवी लोग हैं, यानी होस्टेज अभी भी उधर मेला लगा हुआ है। तो सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारे सिर्फ अगर सखर डिवीजन की या लाड़काना डिवीजन की बात करें तो 30,000 से 40,000 तक ही हमारे पास नफरी है वहां पर पुलिस की, यानी 2000 लोग सिर्फ, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। चलें फिर उनके पीछे कौन है? पीछे वही है जिनके लिए वो फख्री अंदाज में प्राउडली वीडियो शेयर करते कि हमारा बड़ा, हमारा मालिक मुल्क का बड़ा बन गया है, अब हम जो चाहे कर सकते हैं। तो इसके बाद तो कोई भी कवर्ड चीज रहती नहीं, अनफोल्ड हो गई उनके बकौट। फिर दूसरी बात कि आप मुझे बताएं कच्चे के अंदर कौन से सरदार का बेटा मुगवी इस वक्त, कौन से सरदार का भतीजा कोई अगवा करना तो उनको चाहिए ना। देखिए अरबपति लोग हैं जहां से जबरदस्त आपको रेंजम मिल सकता है, वहां पर ये मजदूर जा रहे हैं जिनके लिए हम आप चंदा करके जितने भी रिश्तेदार हैं वो उनको 10-15 लाख भेज देते तो रिलीज करते हैं। अगर ये डाकू, अगर ये दहशतगर्द, ये अगर इतने ही लातालुक होते सोसाइटी से और ट्राइब से तो ये सरदारों को भी उठाते, उनके बच्चों को भी उठाते, फिर हम समझते कि भाई इनको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं। इसका मतलब ये है कि सरदार का बेटा तो छोड़े, सरदार का नौकर और ड्राइवर रात को अकेला घूमता है, उसको टच तक नहीं करते। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस को पता है, ये DIB इंचार्ज को पता है, ये TIB इंचार्ज को पता है, ये रेंजर्स को पता है, ये MI को पता है, ये ISI को पता है कि उनकी तादाद कितनी और उनके पीछे कौन है। अब आते हैं कि सब पता होने के बावजूद मजबूरियां क्या है। जब आपको कच्चे की तादाद मालूम करनी हो ना, आप इलेक्शन में देखें, ये रॉकेट लॉन्चर लेके जब उम्मीदवारों के साथ घुसते हैं इलाकों में तो ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं, कोई निकाब लगाते हैं कोई नहीं लगाते, वहां से कच्चे से एग्जिट करते हैं फिर कच्चे में एंटर हो जाते हैं शाम में। तो उस वक्त तो इनकी सर्विलेंस जबरदस्त हो जाती है, इनकी डेटा भी होती है, सब कुछ होता है। अब सिर्फ दो, मैंने पहले भी ये जिक्र किया है कि सिर्फ दो ट्राइबल चीफ को आप उठाएं, यहाँ पर मीठा राम हॉस्टल आपने सुना है? जी जी बहुत मशहूर है, वहां बुला के चाय पिलाएं वडेरे को, चलो और ना कुछ अच्छा सर्व करें सरदार को, कुछ ना करें सिर्फ बिठा दें, अल्लाह देता से बोले कि भाई अभी क्या हमारे लिए क्या है, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी, तो एक मिनट में सब कुछ लिख के देगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा उन लोगों को और खुद डिसओन करेगा, खुद डिसएसोसिएट हो जाएगा। अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा फराज कि ये करेगा कौन, मीठाराम में दावत कौन देगा, या IIT चंद्रीगढ़ रोड पे कौन दावत देगा, या CTD सिविल लाइन में कौन बुलाएगा, या गार्डन में कौन बुलाएगा। सवाल ये जन्म लेता है,
जो बुलाएगा उसकी अपनी नौकरी चली जाएगी। अब सोचें कि वो ट्राइबल चीफ कितने पावरफुल हैं, जब उनके अपने जाति वेस्टेड जो इंटरेस्ट होते हैं उसको जब आप ठेस पहुंचाएंगे तो ये उनके ऊपर हाथ रखते हैं। उसकी मिसाल ये दूं कि अगर डाकुओं का कोई एक बासर बंदा इनकाउंटर में मर जाए तो पुलिस डेड बॉडी नहीं देती, एक फोन जाता है एसएसपी को, जिले एसएसपी को, तो वो शान और शौकत से डेड बॉडी पहुंच जाती है वहां। फिर आपको अगर मालूम करना हो ना कि इनका कनेक्शन इनके बैकबोन पर कौन है, फिर इनकी तदफीन में, तदफीन से लेके स्वयं तक देखें उनके जनाजे पर, उनके कंडोलेंस के लिए कौन कौन बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहा है, टिंटेड ग्लासेस भी नहीं होते, बड़ी बड़ी पगड़ियां, बड़ी बड़ी टोपियां पहन के, बड़े बड़े काटन कलफ पहन के, बड़ी बड़ी बोस्की के कपड़े पहन के मोटरकेड में जाते हैं और फिर बोलते हैं भाई ये तो इसके तो फिलहाल फिलहाल लोग जो शरीफ हैं वो तो हमारे वोटर हैं, वो तो हमारे सपोर्टर हैं, यानी वो जस्टिफाई करते हैं कि हम उस डाकू की उसमें फनरेल में क्यों गए और डाकू से लवाई के इनसे दुआ करने क्यों गए, क्योंकि ये तो क्रिस्टल क्लीन सारी चीजें पड़ी है भाई, इस सिस्टम को आप छेड़ नहीं सकते। यहाँ पर अर्बन सिस्टम को आपने स्पाइनल ब्रेक किया, एमकेएम लंदन को आपने चैलेंज करके ब्रेक किया, आपने गैंगवार को स्पाइनल ब्रेक करके अमन अमान कायम किया, तो जब यहाँ पर जीरो टॉलरेंस थी तो कच्चे में कौन सी मजबूरियां आपकी और कौन सी रुकावटें, ये सवाल हम कर सकते हैं उनसे। सर ये हुकूमतों में भी है, हुकूमतों में नहीं है भाई, हुकूमतों में किंग मेकर है ये। अच्छा आप ये ना समझे कि मीर आबिद सुंदरानी कौन है, उसके चार ट्राइब के जो चार ट्राइब है उसके नीचे जो उसको सरदार मानते वो भी डाकू है। आपका तेगो तेगानी कौन है, वो भी चीफ सरदार है, वो नवाज लीग से लड़ा था इलेक्शन, बशीर मेमन ने फखरी अंदाज में अनाउंस किया था। तेगो तेगानी को आपने डिस्ट्रिक्ट एसएसपी ने बुला के अमन का अवार्ड दिया, जो बदमनी की दाई थी उसको आप अमन का अवार्ड देते कि नहीं मेरा शोल्डर झपी दे मुझे कि सरदार का मैं गुड बुक्स में हूं। तो जब इस तरह का बिहेव करेंगे तो सरदार तो दिन ब दिन ताकतवर तरीन बनता जाएगा। अच्छा दूसरी बात मैं फैक्टर बताऊं कि एक एसएसपी लगता है तो वो कंप्रोमाइज तरीके से कंसेंट से, डाकों के कंसेंट से, यानी उनकी रजा से, उनकी मंशा से थोड़ी देर के लिए अमन कायम कर सकता है। जिस दिन मामला बिगड़ता है एसएसपी तब्दील होता है, एसपी नहीं चाहता मैं जाऊं, क्योंकि कश्मीर जिला सिर्फ ये आपके डाकों के जैसे बदनाम नहीं है, ये सोने की चिड़िया डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर डेरा मोल पर जो चेन खुलती है जहां से आपका छालिया गुटका बॉर्डर लाइन वाली बॉर्डर लाइन से मिलेंगे जितनी भी चीजें जहां से क्रॉस करती हैं, तो उसकी एक जबरदस्त बीट होती है डिस्ट्रिक्ट एसएसपी की, यानी आपके तस्वर में नहीं है। 3.5 करोड़ 3.6 करोड़ में आपको बता रहा हूँ जो ऑर्गेनाइज क्राइम का भत्ता जाता है एसएसपी को, जो जाना ही जाना है, हराम है, वो तकिया रख के सोता रहे, वो मना करे ना करे, चेन खोले चेन बंद करे, एसएसपी का काम ही नहीं है। वो एक सिपाही है वहां का, ये गुलाम नबी मेमन साहब आईजी पावरफुल है, ईमानदार है, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं, कोई बीट नहीं लेता, मैं मानता हूं, लेकिन आप मैं उनको चैलेंज करता हूं, उस सिपाही का मैं नाम आपको देता हूं, उसको हटा के देखें, दो दफा हटा के चुके हैं, दो दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाते, बी कंपनी में भी डाल चुके हैं एक सिपाही को, एक सिपाही और आईजी से आईजी नहीं हटा सकता, वो डाकुओं का चहीता है, वो सरदारों का ब्लू वाइट बंदा है, एसएसपी को तो वो देखता नहीं है। आप मुझे पता है जिस रियासत में ये काम हो, जिस महकमे में ये हो कि सिपाही सालार एक सिपाही को छेड़ नहीं सकता, तो आप मुझे पता है अमन अमन की सूरत हाल कैसे कायम होगी, ये तो बड़ा एक सवाल है निशान सर। तो ये जो हर हफ्ते हर महीने के बाद हम देखते हैं ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जा रही हैं, तो फिर ये तो सब टोपी ड्रामा है। उन वीडियोस को आप गौर से तो देखें, अब एक वीडियो आई, एक तरफ बख्तरबंद थी, नीचे डाकू खड़े थे 8-10, तो एक सिपाही बख्तरबंद से बोला है कि यार फायर वायर नहीं करना, एसपी साहब राउंड पर है, सिर्फ वीडियो बना के हम चले जाएंगे। तो एसएसपी वो सिपाही को वो डाकू बोले, वीडियो वायरल है, ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, वो बोले ठीक है तुम्हारे एसएसपी की लाज रख रहे हैं, चलो राउंड मार के जाओ, और वीडियो वायरल होनी चाहिए हमारे इलाके की। अब ये तो आपका वो कॉस्मेटिक तरीके से डेमोज कर रहे हैं, रियल इनकाउंटर कहाँ होता है मुझे बताओ भाई। आप भी इतने जबरदस्त क्राइम रिपोर्ट रहे हैं, चलो कराची की बात करते हैं, ये फुल फ्राई फ्राई के जेनियन होते हैं इस तरह। अब हमारे पास क्या है, एक ताजा एक मैं आपको मिसाल दूं कि जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट में जखरानी ट्राइब के कोई सब ट्राइब के दो डाकू मरे थे,
पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। उन लोगों ने पुलिस को चैलेंज किया कि हमारी तुमसे जाती दुश्मनी, हम कबायली तौर पर रिवेंज लेंगे अपना। अच्छा, पूरे कबायल के उस पर पूरे एसएसपी ने क्या कहा कि भाई ना लो, हम बैठ के जर्गा करते। तो डाकुओं की वो जुर्माना अदा किया गया, 50 लाख रुपया पुलिस पार्टी पे जुर्माना आयद किया गया एक सरदार की तरफ से कि आप भरो, आपने चोर को क्यों मारा, इनकाउंटर क्यों किया। ये मैं अमेरिका बता रहा हूँ। फिर उस पर डीजे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जेकबान ने नोटिस लिया, फिर उसको मैनेज किया गया। अब रिसेंटली एक सोशल एक्टिविस्ट बंदा है, वो किसी क्राइम के खिलाफ सोशल मीडिया पे बात करता था, जिसका नाम था सद्दाम लाशारी, उसको बीच बाजार में दिन दहाड़े फेक एनकाउंटर में मारा गया। उसका जिरगा आपके डीएचए फेडेट में मेरे ही कौम के सरदार ने किया है, और 1.5 करोड़ रुपया उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया पुलिस के ऊपर। तो आपने रियासतों के अंदर रियासतें कायम कर रखी हैं, तो वहां पर वो नॉर्मल पुलिसिंग है, पुलिस वाले कौन है, उन्हीं ट्राइब के लोग है ना। अभी जो 128 लोगों को वहां से जिला बदर किया गया, कौन है, सब्जोई है, चाचड़ है, जागीरानी है, जखरानी है, भयो है, यही लोग है ना। तो वही चोर वही पुलिस। आप अब दूध की रखवाली के लिए बिले की नौकरी लगाएंगे तो मेरे भाई अमन तो कायम नहीं होगा, दूध तो महफूज रह ही नहीं सकता। तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं, ये पुलिस किसको बेवकूफ बना रही है, ये होने वाला कुछ नहीं है। अब तो उनका इतना जिगर बढ़ चुका है कि वो पक्के में आ जाते हैं जब मूड होता है, दिन दिहाड़े आ जाते हैं और ऐलान करके आ जाते हैं। मुझे याद है कि एक एसएसबी साहब थे रिसेंट पास में, वहां 2 डेली बकरे भेजते थे और 2 लाख रुपए कैश भेजते थे कि जब तक मैं हूं मेहरबानी करना। तो 6 महीने तक कंटिन्यूसली वो भत्ता जाता था एसएसपी की तरफ से। आपने सुना होगा क्रिमिनल भत्ता देते पुलिस, बिल्कुल ऐसे ही भी यहां पर पुलिस वाले देते थे क्रिमिनल्स को कि खुदा के वास्ते मेरी लाज रखना। मतलब एसएसपी डेली, मैं अमेरिका बता रहा हूँ, अगर बोलेंगे तो मैं वो शवायद भी पेश करूंगा, लेकिन वो भी समझ रहे हैं, वो कराची में पोस्टेड है, प्रोमोट हो चुके, हमारे भी दोस्त थे। अच्छा, तो आप मुझे बताएं सर, आपकी ये जो पहले वाली आसान अल्फाजों में मैं बात समझूं तो कहने का मकसद ये है कि पुलिस ने 2 डकैतों को या जो कच्चे के डाकू थे उनके 2 बंदे मार दिए, सही है जी, और उसके बाद पुलिस ने उनको पैसे दिए, जुर्माना भरा। आपको जिरगा है ऑन रिकॉर्ड, मेरे फेसबुक पे भी आपको मिलेगा, सबके फेसबुक पे, अखबारों में खबरें छपी, रीजनल चैनल्स में ब्रेकिंग न्यूज चली कि जिरगा हुआ है, और जिरगा जिसके सरपंच में वो सबको पता है कि वहां पर ये कि आप डाकू को मारोगे पुलिस वाला तो डाकू की बैक कॉल आएगी उसके साथी की कि मेरा तुमसे जाति झगड़ा है, तुमसे मैं इसका बदला लूंगा। आप मुझे बताएं कि पुलिस डिमोरलाइज होगी नहीं। मैं सिर्फ ये कश्मीर और जैकबाद की बात कर रहा हूं कि वहां पर सिपाही भी तो वही खड़ा है ना, बिल्कुल जीतरी हाथ में लेने से कुछ नहीं होता भाई, उसके लिए चलाने के लिए उसके बच्चे आगे आ रहे हैं, उसकी जिंदगी खतरे में, प्रोटेक्शन कौन देगा, आईजी साहब देगा, डीआईजी सखर देगा, डीआई लाड़का ना देगा, एसएसपी कंदकोट कश्मीर देगा। वो बेचारे कोई भी अगर दिलेर सरफेरा बंदा है कर देता है जेन्युइन एनकाउंटर तो उसका खुमियाजा भुगतता है, या तो अपनी जान गंवा देता है, कई मिसालें हमारे सामने, या तो फिर वो जिरगे में जाके पैसे भरता है। मुझे पता है वहां तो डाकू और गैंगस्टर ज्यादा तकवीत हासिल करते जा रहे इस तरह की प्रैक्टिसेस से। आप मुझे बताएं कि मैं आम शहरी किस तरह अपने आप को सिक्योर महसूस करूं। मेरे पास तो वॉइस मैसेजेस भी है कि जो एसएसपी रैंक को वो डाकू भेज दे, माँ बहन की गालियां बकते हैं एसएसपी को कि तेरे बाप में दम है तू इधर आके दिखा। कच्चे और पक्के को मिलाने की एक पुल है जो अरसाए दराज से जेरे तामीर है, वो पुल नहीं बनने देते, न सरदार बनने देते, न एसएसपी, न डीआईजी बनने देते, न डीसी, न कमिश्नर बनने देते। उसमें क्या रुकावट है, चलो डाकुओं को आप छोड़ दो, उसमें रुकावट है कि अगर वो पुल बन गया तो ये कहानी खत्म हो गई। आपके पास एक्सक्यूज नहीं रहते। अभी आप मुझे एक्सक्यूज ये देंगे ब्रीफिंग में कि सर वो एक्शन नहीं है मेरी, जानेंगे बीच में पानी है। अच्छा, पर एक्सेस है, मैं ड्रोन से कुछ करता हूं तो आम आबादी को नुकसान होगा। तो इस तरह के आपको ले में एक्सक्यूजेस देके इसको लिंगर ऑन करते हैं और फिर आप छोड़ देते हैं। कितना आपने भबकियां कितनी सुनी है, ब्रेकिंग न्यूज चलती है, अभी ताजा कल परसों आईजी, अभी परसों की बात है, आई साहब बैठे थे, होम मिनिस्टर कह रहा है यार आपके सूबे का कि हमारे पास जदीद हथियार नहीं है, वफाक से परमिशन लेंगे, उनके पास जंगों में इस्तेमाल होने हथियार हैं। आप मुझे बताएं इससे ज्यादा लाचारगी
एक वजीर दाखला की क्या हो सकती है? इससे ज्यादा आप क्या मैसेज दे सकते हैं कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर तरीन? सर, असला कैसे पहुंचता है इनके पास? ये जो चेन है जैकबा में एक एसएसपी लगता है, जैकबा की बात करूं, देखें जैकबा कंबर शहजाद कोट, कंदकोट कश्मो और घोटकी, ये चार अजला है। इसमें अगर एक एसएसपी लगता है ना, सिर्फ 6 महीने सरवाइव कर जाए तो अपनी आइंदा की 2 जनरेशन वो फिनेंशियली साउंड और वेल ऑफ करके निकलते हैं। 2 जनरेशन जो पैदा नहीं हुए अभी, जो एसएसपी के बेटे पैदा होंगे ना, उनका भी कैपिटल मिल जाएगा उसको 6 महीने में। चेन आप जैकबाद की दो, एक उमरानी लाड़ो की चेन है, एक कोई शिमशाग पता नहीं कौन सी बोलते हैं, मेरा अपना नेटिव डिस्ट्रिक्ट है, वो चेन खुलती है। कंबर शहजाद को मैं चेन खोलते हैं, चेन बोलते हैं जो एरिया आपका कार्डन ऑफ होता है, बिल्कुल वो चेन खुलती है, उसमें आंखें बंद करते हैं, वो सदाबहार की गाड़ियां हैं, फिलहाल कोचे फेरोज लेडी की कोचे आती खाली है, मुसाफिर कोच होती है लेकिन अंदर मुसाफिर नहीं होते, तो वो सबको मैंने करते हैं। देखे ये केपी से निकलता है असला, अफगानिस्तान से आता है, कौन से पहुंच जाता है? आप बीट दे मुझे, बताएं कहां से क्रॉस करानी गाड़ी, बीट तय करें। वही जो मैंने कहा, एक सिपाही है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिपाही ताकतवर होता है, और वो बैठ के एसपी को बोलते हैं आपने काम करने, आपको हटवाना है। अच्छा। एसपी बोलता है सर मैं रहना चाह रहा हूं, सिपाही को सर, सिपाही एसएसपी बोल, सिपाही एसएसपी को बोलता है कि आपको रहना है, आपका तबादला करा दे। अब जाहिर है ऐसे ताकतवर तरीन पुलिस कांस्टेबल हो, कई एसएसपी खुद रिवील करते कि हम इसको नहीं हटा सकते, तो ये असला वहीं से आता है जहां से छाली आती है, जहां से ये क्रिस्टल आता है, जहां से आइस आती है, जहां से ये सारा नॉन कस्टम पेड जो सामान आता है। सर ये सियासी लोग जो अब आप कह रहे हैं, इनके जो वडेरे हैं बड़े हैं, ये इनसे कैसे काम लेते हैं? देखिए वडेरा हिमसेल्फ कुछ भी नहीं है, सही, वडेरे का बैकबोन ये डाकू और क्रिमिनल्स होते हैं। अब मुझे तो बड़ा ही खतरा महसूस होने लगा है कि ये लोग कराची में भी आ गए, मैं सिंधी हूं, मैंने भी टोपी पहनी हुई है, लेकिन ये जो सिंध के वडेरे ना, जो फ्यूडल्स हैं, मैंने हमेशा इनको चैलेंज किया है। ये अपने साथ जितने भी इनके गनमैन हैं, आप इनका अभी तो तलाश ऐप आई है ना, आईजी साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अगर आपको अल्लाह ने हिम्मत और जुरत दी है, तलाश ऐप से जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने MNAs MPAs हैं, इनका जो स्कॉर्ड प्राइवेट चलता है, इनका थंब इम्प्रेशन तो ले लें, मेरी तरह इतना CRO निकल आएगा, लेकिन कोई उठाएगा नहीं उनको। तो वडेरे सरदार को, चीफ सरदार को सपोर्ट वही करते हैं, किसी को उठा लिया, किसी को छुड़वा लिया, किसी को मरवा लिया, किसी को तड़ी दे दी। अब तो ये प्रैक्टिस यहाँ शुरू हो गई, आपके जिरगे जो मेरे ट्राइब का सरदार है जुल्फकार खान सरकी साहब, वो गड़ी ठुल से जैकबा से निकल के फेज 8 में जिरगे कर रहा है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, हाईकोर्ट की पाबंदी आपके प्राइवेट जिरगे पर, कोई पूछने वाले नहीं है, तो सिस्टम तो पूरा आपका वो यरगमाल है, कुछ नहीं कर सकते। जहां पर होम मिनिस्टर कहे, जहां पर आईजी उनके ताइद करे गर्दन हिला के मेरे पास अब जदीद असला नहीं है, मैंने वफाक को लिखा है परमिशन आने दे, और उससे सवाल साफ ही सवाल कर रहा है कि उनके पास क्या, पर उनके पास जंग में इस्तेमाल होने वाले असला है, तो आपने तो उधर ही सरेंडर कर दिया, आपने तो अपने आप को खुद पूरे महकमे को डिमोरलाइज कर दिया, आपने तो उनके हौसले और बढ़ा दिए, वो तो और जश्न कर रहे हैं, ये तो बातें पब्लिक करने वाली होती नहीं है जो आप पब्लिक कर रहे हैं। सर बिल्कुल, अब सूरत हाल ये थी पहले कि ये लोग अगवा करके ले जाते थे, अब सुना वो जो सिंध और पंजाब को मिलाने वाला सड़कें हैं, हाईवेज हैं, उसके पर आके लोगों को किडनैप करके ले जा रहे हैं। मैं आपको अब डिस्ट्रिक्ट कंदकोट कश्मोर के कुछ थाने ऐसे जो खाली बिल्डिंग है, कोई नहीं जाता, लेकिन रूटीन में आपका रोजनामचा भी है, वाकी टाकी भी है, सेट भी है, SHO भी है, बिल्डिंग में आप जाएंगे वो डाकू मिलेंगे आपको, उन्होंने वो पूरे पूरे कब्जे किए। आपने वाना वज़ीरिस्तान सुना था, बिल्कुल ऐसे ही ये सिंध की सुना, उससे बदतरीन हो चुकी है। ये जो आपको दिखाई देता है ना, ये सिर्फ ड्रामे वाली वीडियोस है, ग्राउंड पर नहीं है। आप अभी चैलेंज करें हम चलते हैं, चलो फोर फ्रंट पे हम जाते हैं, वहां ऐसा नहीं है कुछ, ये जिस तरह दिखाई दे रहा है ग्राउंड पे तो दुनिया ही दूसरी कायम है, वहां रियासत के अंदर बहुत ताकतवर तरीन रियासत कायम हो चुकी है, और उसको खत्म करने के लिए आपने सिर्फ भबकियां ही मारनी है, विल पावर आप में नहीं है।
दो सरदार आके बैठ जाएंगे सीएम साहब के पास कि मेरे बंदे यहाँ नहीं घुसने दें किसी को, तो आपका एसएसपी डीआईजी आईजी जाएंगे कैंप ऑफिस कायम करके वापस आएंगे। एक पार्शियल एरिया है जो जुज़वी तौर पर जहां पर आपको उनकी रजा से, डाकुओं की सरपरस्ती की वजह से, सरदारों की रजा से कि सरदार आपको बोलेंगे यहां तक जाओ, भले आप अपना काम करके आओ, आपका भी धंधा चले हमारा भी चले। अब होम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि हम डाकुओं का कला कमा करने के लिए चीफ सरदारों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत समझते हैं, बिल्कुल इनोटेड जो ब्रेकेंड में हम लिखते हैं, बातचीत से मतलब है कि मिन्नत समाते रहेंगे यार कुछ बंदे हमें दे दो, गिरफ्तारी शो कर लेते, कुछ हमारी फेस सेविंग भी हो जाए। तो इस तरह के मामला चल रहे हैं, ये कराची तक पहुंच चुके हैं, कराची से भी किडनैपिंग, ये हनी ट्रैप क्या कहानी है सर? देखिए ये साधारण लोग बंदे होते हैं जो हनी ट्रैप पे, वो हनी ट्रैप बोलते हैं वो जो खवातीन को इस्तेमाल करते हैं, वो जेन्युइन कॉल्स करते हैं, दोस्तियां कराते हैं। अब तो फेसबुक आईडी भी है, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं। अच्छा, ये डाकू डाकू ने जबरदस्त वो लड़कियां हायर की हुई हैं, पता नहीं उनकी अपनी है पता नहीं बाहर की, मुझे तो ये भी नहीं पता। खूबसूरत दोशीज़ें उनके पास हैं, ज़बरदस्त तस्वीरें भेजती हैं, पता नहीं। मुझे तो ये भी लगता है कि काशी पार्लर ने ना कच्चे में कोई ब्रांच खोली है, हमें तो ये भी पता नहीं है। तो इतना ज़बरदस्त वो उनका इमेज आ जाता है, तस्वीर आ जाती है, मेरे जैसा बंदा भी बहक जाए। तो ये तो लोग जो हनी ट्रैप बोलते हैं उसको कि वो खवातीन आपको ट्रैप करें, पहले दोस्ती के जाल में फंसाएं या कोई भी कॉल करके आपको किसी भी बोतल में उतारती हैं वो, उसके बाद आप पहुँच जाते हैं। अच्छा, वहां बुला लेती हूं से आप निकल जाते हैं, वहां पर निकल जाते हैं। तो ये लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई इस तरह के ना करें और देखभाल के जाएं, इश्क में इतने बंधे ना हो कि आप आगे जाके मोगी बन जाएं। मतलब सर ये खवातीन इन्होंने रखी हुई है फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू, वो लोगों से दोस्ती करती हैं। बिल्कुल, कई कई ऑन रिकॉर्ड चीज है ना, देखें कितने रिवील्स आते हैं जो मोगी बाजा होते हैं, उनसे पूछते हैं आप कैसे, यार मुझे तो फोन आई थी। तो इस तरह वो देखें उनका जहन देखें ना। अच्छा दूसरी बात, आप अभी कुछ क्राइम कमेंट करें, ये डिफेंस था ना आपके सामने, बिल्कुल यहाँ से आप करके चले जाएं, फराज को और मुश्ताक को 3 घंटे में उठा लेगी पुलिस, बिल्कुल हमारी लोकेशन से। मुझे बताएं ये जो वीडियोस आ रही हैं कच्चे से, क्या उधर जियो फेंसिंग नहीं हो सकती? क्या उधर का CDR नहीं निकल सकता? क्या वहाँ GPS काम नहीं करता? हर चीज है, यानी फिर भी इस पे कोई वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कंदकोट कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट घोटकी की पुलिस अपनी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करे और उस कमांडो को बताया जाए कि भाई तेरा मैं मुहाफिज हूँ, तुम्हारी फैमिली को मैं लुक आफ्टर करूँगा। यार पेट्रियटिज्म बड़ी है पुलिस में, जानसार लोग भी हैं और विल पावर भी रखते हैं, दिलेर और गैरतमंद जवान भी हैं पुलिस में, उनकी सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं है। बदकिस्मत सारे बुजदिल हैं, बदकिस्मत सारे कंप्रोमाइज हैं। आप मुझे बताएं सिंध के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बगैर MNA MPA के कंसेंट के, बगैर चीफ सरदार के NOC के कोई SSP या DC मुझे बताएं, एक बताएं। सर कराची में नहीं लग रहा आजकल तो, नहीं ना, तो कराची में किसकी सरकार है? हम लोगों की है, बिल्कुल साई सरकार बोलते ना, आपने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की हुई है, एक साई की वजह से सारी सिंधी कौम हम खमियाजा भुगतते हैं, हालांकि हम उनके गुना सवाब के शराकत दार है ही नहीं, फिर भी क्या मेरी कौम बदनाम हो, सिंधियों की हुकूमत है, साई लोगों की हुकूमत है। तो साई लोगों में यार अच्छे भी लोग हैं जो इनके अताब में, हम बेड गवर्नेंस का हम भी शिकार है, मुगुयों में सिंधी लोग ज्यादा है बिल्कुल कंपेरेटिवली दूसरों के, और जिनको कत्ल किया जा रहा है वहाँ अबाई लोग ज्यादा है, बिल्कुल इंडिजियंस जो धरती के वर्षा है वो मारे जा रहे हैं, वो कत्ल किए जा रहे हैं बेईमान, उनका तशद्दुद करके उनकी डेड बॉडीज, खास तौर पे हमारे जो हिंदू बिरादर है उनको ज्यादा वो टारगेट करते हैं, वो उनका तो हमें ज्यादा तहफ़ करना चाहिए, अकलियत का दुनिया में बायलाज है, आप मिनॉरिटीज को ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारे कायद का फरमान है, ये हमारे फ्लैग में जो वाइट क्या है, आपने अकलियतों को प्रोटेक्ट करना, इंश्योर करना उनकी हिफाजत को, यहाँ पर उसके बरक्स हो रही चीजें। सर इसके अलावा इनके तरीका वारदात क्या है ये हनी ट्रैप के साथ साथ? दूसरा है मुखबरियाँ होती हैं, अब मेरी अगर ज़मीन है वहाँ पर, कल्टीवेटेड लैंड है मेरे पास, 500 जरेबे 250 एकड़ है, वो मुखबरी होती है, सरदार को पसंद आया मेरा चलना, मेरी टोर, मैं उसको सलाम नहीं कर रहा, V8 गाड़ी ले गया कराची से, टोर दिखा के आ गया, तो ये भी सोर्स ऑफ एनिमिटी बन जाती है। अच्छा सरदार मुझे रेंजम के लिए नहीं उठाएगा, बोलेगा इसको इंसान का बच्चा बनाओ,
तो इस तरह भी उठ जाते हैं बंदे जो तावान के लिए नहीं लेते लेकिन उसको मुर्गा बना के बोलते आएगा तो चीफ को सलाम कर। एक अगवा ऐसा किया गया बंदा, नौजवान लड़का था, कराची कोरंगी में काम करता था फैक्ट्री में। एक सरदार का मामू आ रहा था एक कच्चे के इलाके से और वॉकिंग डिस्टेंस वॉक करता आ रहा था। तो वो जो डाकू का मामू और सरदार का करीबी एक बंदा था, वॉक करता आ रहा था। एक बंदा यहाँ से बाइक पे जा रहा था तो उस डाकू के मामू को वो बात बुरी लगी कि कौन है लुंडा, ये लड़का कौन है कि जिसने मेरी ताजीम नहीं की और बाइक स्टार्ट करते हुए चला गया। उसको उठा लिया भाई, 2 महीने तक तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद में पता चला कि ये जब डाकू का मामू इधर से गुजरता है तो इसके एहतराम में कोई भी बाइक पर आएगा, बाइक बंद करके पैदल जाएगा और बाइक रोक के पाँव पकड़ के मिलेगा, सलाम करके फिर निकलेगा। तो वो बेचारा यहाँ का था, उसको पता ही नहीं था। 2 महीने उसका हाल बुरा किया, मेंटली डिसऑर्डर करके रिलीज किया उसको। आप मुझे बताएं कोई है पूछने वाला? तो इस तरह भी अगवा किए जाते हैं लोग, मुखबरियाँ भी की जाती हैं। लोकल बिजनेस जो होता है ज्वेलर्स का, अनाज का, कोई भी हो। सर वो सुना है कि कच्चे में लैंड क्रूजर 6 लाख रुपए में मिल जाती है। नहीं कच्चे में नहीं, वो बलूचिस्तान में। ये भी कोई ट्रैपिंग व्रैपिंग की कोई कहानी है कि आ जाओ 6 लाख रुपए में गाड़ी ले लो, वहां पहुंचो, चल भाई आ जा तू भी अरेस्ट हो जाओ। एनसीपी गाड़ियों की गैंग वो अलग, वो एक अलग चीज है, बिल्कुल। ये कच जाहिर में हनी ट्रैप इसको तो बोलते हैं। जी जी जी। कोई भी लालच दे के या तो अपोजिट जेंडर से आप कॉल कराएं या कोई, अब एक अभी 4 लोगों को पुलिस ने रोका, बिल्कुल पंजाब से आए थे रिश्ता देखने जा रहे थे। अब बताएं मासूमियत की और नेक्स्ट लेवल क्या? सर ये रिश्ता देखने कच्चे के डाकुओं के पास जा रहे थे। हाँ, वहाँ रिश्ता में शादी, एक लड़का 3 ख्वातीन, वो अभी कश्मीर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की कल, तो वो रिश्ता देखने ऐसे भी हो रहे यार कि पंजाब से रिश्ता देखने कच्चे के डाकुओं के पास जा रहे हैं। मासूमियत की देखे ना और क्या, आपको मिसालें दूं मैं, यानी या तो उनकी मासूमियत है या तो उनका बड़ी वो चालाकी है, यानी वो इंटेलिजेंस ज्यादा है डाकू, उनका जेन बहुत ज्यादा चलता है कि किस तरह लोगों को, साधारण लोगों को बुला लेते हैं किसी भी तरीके से। वो एक डेजिग्नेटेड एरियाज है, वहां तक आ गए तो वो खुद ही ले लेते हैं। अब तो वो पुलिस बजाय कि हमें प्रोटेक्शन दे, पुलिस क्या करती है गाड़ियों को रोक रोक के बोलती है, तदाबीर एहतियाती तदाबीर बताती है। यानी ये आपका नाहली का एक जबरदस्त मिसाल है कि आपने सिक्योर करना है, आप उनको सिर्फ एहतियाती तदाबीर बता, जैसे वो डब्बे पे लिखी होती है सिरप पे कि इतनी देर है डॉक्टर के मशवरे से चले, पुलिस के मशवरे से लोग अब चले वहां पर। सर क्या वजह है, क्या ऐसा, आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं, अगर सिंध हुकूमत या जो भी हुकूमत है इनके पीछे बैकहैंड पे इनके सरदारों के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज कर ना करे तो क्या इनकी हुकूमत नहीं बन सकती? देखिए ऐसी क्या मजबूरी है इनकी? हमारे पड़ोसी मुल्क में मोदी सरकार है, बिल्कुल मोदी इनता ही दहशतगर्द सोच रखने वाला बंदा है। उसकी हुकूमत वजूद में केजरीवाल को गिरफ्तार किया, इलेक्टेड सीएम को गिरफ्तार किया नाम मानने पर, वसूल परस्त था। इसी तरह सिंध में आप क्या समझते हो पीपुल्स पार्टी को कोई सिंपल मेजॉरिटी या पीपुल्स पार्टी का इतना बड़ा मैंडेट है? बिल्कुल नहीं भाई। आज सरदार अलग हो जाए, हर कबीले के सरदार ये जीत ही नहीं सकते। अच्छा सरदार इनके साथ क्यों जुड़े हुए? क्योंकि सरदार 99% क्राइम में इन्वॉल्व है, बराए रास्त या इनडायरेक्टली। इसी तरह पीपुल्स पार्टी की भी सरदार मजबूरी है, दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट है। एक सरदार के लिए इलाके का SHO काफी है। अच्छा आप देखें, एक सिंध का बड़ा ताकतवर तरीन बंदा है मुर्जा जतवई, कई दफा वफाकी वजीर रहा है, बड़ी पॉलिटिकल फिगर है, उनके वालिद साहब, एक SHO मोरो का उसके लिए दर्द सर बना हुआ है। यहाँ भी रेड होती है, वहां भी रेड होती है, एक FIR टक्के की FIR है। यानी वो अभी पीपी में शामिल हो जाए तो उसको जबरदस्त रिलीफ मिल जाए। उनकी मिसेज कह रही है ऑन रिकॉर्ड कि हमें पीपी में शामिल करने के लिए तंग किया जा रहा है। अब कब वो दुबई भागा, उसका बेटा खुद पता नहीं कहाँ रूपोशे, जमानत होने के बावजूद। यानी एक बात सर सरदार की मैं जतोई ट्राइब की बता रहा हूँ, एक SHO उसके लिए काफी। आप सोचें कि अगर कच्चे की जो सरपरस्ती करें डाकुओं की, उन 2 सरदारों के लिए 2 SHO को पोस्ट किया जाए तो क्या ये खत्म नहीं हो सकता मामला?
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सरदार पीपी की मजबूरी और पीपी सरदारों की मजबूरी है, ये इनका ज्वाइंट वेंचर है। सिंध की आवाम, पाकिस्तान की आवाम जाए बाहर में, वो जो कर रहे करने दें। अब मुझे तो मुक्तदर हलकों की खामोशी पर बड़ा मुझे वो होता है कि क्यों है, क्या वजह? सदर पाकिस्तान है सर उनका, और वो सदर पाकिस्तान किस तरह है आपको नहीं पता? वो तो सदर पाकिस्तान है तो सही, लेकिन आपने रिट ऑफ लॉ कहाँ एग्जीक्यूट करनी है? कौम को भी तो देखना है, रेंजर्स को क्यों नहीं दे रहे अख्तियार? अब तो उन्होंने डिमांड भी की ऑफिशियली कि हमें दे, हम आपको करके दिखा रहे अमन। तो रुकावट क्या है भाई? वन थर्ड मेजॉरिटी के साथ आप आए, आप तो सिंध असेंबली में जो भी कानून साजी करें, एक नोटिफिकेशन आधे घंटे में निकल सकता है। जब कराची में अमन अमान रिस्टोर हो सकता है तो इंटायर सिंध में क्यों नहीं हो सकता? सर जो ये अभी ऑपरेशन चल रहा है इसका क्या बनेगा? कौन सा? ये जो अभी कच्चे में ऑपरेशन चल रहा है, ये इसका रिजल्ट भी वही आएगा आपको। दो चार बेचारे राहगीर आपको हाफ फ्राई मिलेंगे, एक दो मुकाबले में आम बंदा मार के उसका सीआरओ शो करेंगे, बाकी कोई हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व कोई नोटोरियस बंदा आपको नहीं मिलेगा। मतलब सिंध हुकूमत जब तक अपने खुद नहीं चाहेगी, कच्चे का एरिया सेव नहीं हो सकता। सिंध हुकूमत अपने आप को एनकाउंटर करना चाहेगी हाफ फ्राई या फुल फ्राई? कभी भी नहीं। तो ये उनका स्पाइनल है भाई, ये आप मुझसे लिख लें, हम दो साल बाद भी अगर इस पे प्रोग्राम करेंगे ये हालात इनसे ज्यादा बदतर होंगे। और हुकूमत किस तरह चाहेगी? हुकूमत तो उनकी बेसाखी पे चल रही भाई, हुकूमत कैसे चाहेगी मैं अपनी बेसाखी गिरा दूं? आज अगर आप किसी वडेरे को थोड़ा सा छुएं, लग पता जाएगा आपको कैसे लाताल की होती है फिर ये वडेरों की, कैसे रिजाइन आते हैं एमएनएस एमपीएस के। ये तो सारे क्राइम पार्टनर हैं, इनका क्या लेना देना आवाम से? सर मतलब फिर तो सिंध की आवाम तो, चलो पंजाब में तो हम ये चीज देखते हैं कि अगर एक मिनिस्टर बन रहा है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टेन्योर के अंदर दूसरा कोई बंदे को अलग किया जाता है, लेकिन यहाँ तालीम वालीम बिल्कुल तालीम के नजदीक भी नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए हम सब मजबूर हैं ना, हमारे पास बरादरी का वोट बैंक है, और जो सरदार बोल देगा, और सरदार कोई पीपी से या जरदारी से सच्चा नहीं है, सरदार को पैसा चाहिए। आपके इलम में इजाफा करूं कि 2 करोड़ रुपए बजट है फंड है टीएमओ का, वो निकलता है टीएमओ को 10 लाख मिलते, 1.90 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट होते, वडेरे को जाते हैं, सबको जाते हैं। अगर ये सिर्फ जरदारी 6 महीने बंद करे, चैलेंज करो, फिर मुझे बताएं कि कोई सरदार इसके साथ खड़ा है पीपल्स पार्टी में? ये सारी डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और बेईमानी और करप्शन के पैसे में ईमानदारी जबरदस्त होती है इनकी। अच्छा उसमें बिल्कुल ईमानदारी से चलते हैं, फेयर चलते हैं। सर ये कराची तक पहुंच गए हैं सुना है, कराची से भी लोग किडनैप करके लेके जा रहे हैं। जाहिर अब मैं आपको बताऊं, अब एक रिसेंट यहां से एक बंदा गया है सोल्जर बाजार थाने के हद से, एक बाजराबाद का मेहमान है, उसको खैरपुर ले गए, यहाँ के मेहमान से उसकी बिजनेस पार्टनरशिप थी, वहां से लोग बुलाए क्रिमिनल, यहां से ले गए एम्बुलेंस में उस बंदे को, उधर 6 दिन रखा, 6 दिन के बाद उसको कोई पुरानी एफआईआर में फिट किया हुआ है और उसे 1.5 करोड़ रुपया तलब कर रहे हैं। एसएसपी खैरपुर साहब के भी मैंने लम्बे बात दी, एसएसपी ईस्ट साहब के भी, उसके बाद पलट के दोनों ने ही पूछा। इतना बड़ा यार क्राइम हुआ यहाँ पर। अब ये तो वो जो आपको मुझे अप्रोच करते लोग, अब चुपचाप कितने लोग गए हुए? आपके पास एक इदारा है एंटी वायलेंट क्राइम सेल, जिसका काम यही है कि इस किडनेपिंग को प्रिवेंट करना। आप मुझे पता है वो यूनिट क्या कर रहा है यहाँ पर? हैदर जमाली साहब का दौर था 2014 में ऑनवर्ड, 38 से 40 बंदे किडनैप होते थे यहाँ से कराची से। सीपीएलसीओ एवीसीसी ने जब विल पावर रखा, आईजी ने डेली बेसिस पे रिपोर्ट तलब की, खुद आईजी स्पॉट पे जाता था उस वक्त, एवीसीसी के दफ्तर में जाके बैठता था, मुझे बंदे दो। तो यहाँ से गुलाम सुबानी थे एवीसीसी के एसपी, वो बिलोंग करते थे शिकारपुर से, जब प्रेशर आया उनके ऊपर कच्चे में जाके 10-10 लोग डेली लेकर आते थे बाजियाब करा के। अब वो किस तरह लाते थे मुझे नहीं पता, लेकिन विल पावर था, परसुएशन थी, केस टू केस आपका चेक एंड बैलेंस था उसके आईजी का, टारगेट किलिंग भी थी, भत्ता भी था, गैंगवार भी थी, एमकेएम लंदन भी ऑन थी, दीगर भी माफियाज यहाँ काम कर रही थी, लेकिन उस बंदे ने करके दिखाया, उसने बताया कि नहीं मैं इस पे करूंगा भले मुझे हटाओ।
अब जब आप करना ही नहीं चाहते कुछ, जब आप आपको सलामी दी जाती, अब आईजी पहुंचे थे वहां, आईजी और होम मिनिस्टर वो पहुंचे, डाकुओं ने 6 लोग अगवा किए, आईजी और होम मिनिस्टर की मौजूदगी में उनसे कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर उनको सलामी दी के आप आए, हम आपसे डरते नहीं, आज भी वारदात की। आप मुझे बताएं इससे ज्यादा चैलेंज क्या हो रियासत को? ऑन रिकॉर्ड बात, मैं कोई मुझे चैलेंज करे कोई कि भाई आपने ये बात गलत की, मुझे नोटिस करें, साइबर क्राइम में जाए। सर आपसे आखिरी सवाल, कच्चे के इलाके से डाकुओं का कैसे सफाया किया जा सकता है? कच्चे के इलाके में जाए नहीं, डिफेंस के फेज 8 के 3-4 बंगले बता रहा हूँ, वहां से उन सरदारों को उठाए, उनके गनमैनों को उठाए और 3 घंटे अपने पास रखे, सवाल मैं लिख के दूंगा 4 जो भी उनको इंट्रोगेट करे। अगर ये काम डाउन सिचुएशन ना हो तो जो सजा आप देना चाहे, ये कच्चे में आप जा क्यों रहे? आप मुझे बताएं गैंगवार के कितने लोग होंगे यहां पर? 3,000-3,500 भी उसमें था, सब कुछ एंटी स्टेट मूवमेंट्स भी थी, जितने भी लोग थे, जितने भी क्रिमिनल्स थे वो उसमें थे। तो आपने जब उजैर को उठाया, जब रहमान डकैत को मारा, उजैर को उठाया, बाबा लाडला मर गया, तो मुझे बताएं अब खारा दर में कोई भत्ते की पर्ची आती? चलो थोड़े आते हैं, वसीला को ग्रुप है, दूसरे जो बाहर बैठ के आजू है ये करते, जो ऑर्गेनाइज दहशत और वहशत थी, मुझे बताएं जब से रेंजर्स ने ये ऑपरेशन किया है सितंबर 2013 से अनवर्ड, तो मुझे बताएं कुछ है भी यहाँ पर? तो यहाँ आपने किया ना, उजैर बलोच अंदर है, पीछे मामला क्या है? आपने 3,000 लोग तो नहीं पकड़े ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं भी कह रहा हूँ दो सरदार पर इसी टर्मिनोलॉजी पे चले ना, आप दो सरदार उठाए, एक आपका है एमपीए साहब, एक आपका नहीं है एमपीए, अच्छा एक नवाज लीग का है, चलो मैं नाम लेता हूं, चल अब जितने भी कच्चे में ट्राइब्स हैं वो 5-6 बिरादरियां, मैं कौम सिर्फ सिंधी को मानता हूं और सिंधी कौम में फिर ट्राइब्स है हमारे। बिल्कुल ऐसे। मीर आबिद सुंदरानी के मातहत कौन कौन है वो आईजी साहब को नहीं पता, तेगो खान तेगानी के मातहत कौन कौन से ट्राइब्स हैं उनको नहीं पता। चलो आप भाई इनको कुछ ना करें, FIR भी ना करें इनके ऊपर, इनको बिठाएं, आप नहीं बिठाते, IR निकाले, IR दिखाएं मुझे एक, चलो ये जरूरत करो IR आपकी भी निकल जाएगी मेरी भी, गुटके छालिया पे आप निकालें, आपने साफियों के नाम दे दिए भाई, सारे डिस्ट्रिक्ट SSP को दे दिए भाई, फिलहाल इसका रिपोर्टर, फिलहाल टीवी का, फिलहाल यूट्यूब का, ये छालिया के और मावे के और गुटके की सपोर्ट करता है, आपने तो पहल दिया सबको मेरे भाई। आप IR तो निकाल सकते हैं ना कि ये दो सरदार जिनका ताल्लुक इस सियासी जमायतों से बराह रास्त या इनडायरेक्टली इनकी पुश्त पर नहीं हासिल है, डाकुओं को आप छोड़ दे, आपने अपना काम कर दिया, फिर MI, ISI और रेंजर्स को काम करने दे, वो किस पे काम करते हैं? इसी पे तो करते हैं, पे करते हैं। आप ये भी नहीं कर सकते तो आपके तो हाथ बंधे हुए, इतनी बड़ी ये वेव चली है, ये 1-2 महीने जो गुजरे आप देखें कितनी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, हुकूमत की हो रही है, IG सिंध की हो रही है, DIGs की हो रही है, SSPs की हो रही है, उन मुक्तदर क्वार्टर्स की हो रही है, लेकिन यार कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। तो आप समझे ना कि वो सरदार और उनके कच्चे के जो सो कॉल्ड वोटर और सपोर्टर्स हैं वो कितने ज़बरदस्त ताकतवर हैं कि जिनके लिए कोई कुछ करने के मूड में नहीं है। ये जो भी ऑपरेशन चल रहा है इसका रिजल्ट मैं आपको लिख के दे के जा रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड चला दें, कोई ज़्यादा हमने इसमें रिजल्ट्स नहीं लेने, ना लेने के मूड में, ना हम संजीदा बनेंगे। अब एक वीडियो सखर की चलिए, वो कोई एनकाउंटर कर रहे हैं, पता नहीं क्या फायरिंग शायरिंग हो रही है, उस पर भी वो इन्वेस्टिगेशन बैठ गई टीम के, सारा ड्रामा है। इसी तरह ये ऑपरेशन भी इस तरह होगा, थोड़ी गोलियां वोलियाँ खर्च होंगी, ये होगा वो होगा, वापस चले आएंगे और 2-4 ऐसे रुमाल बांध के आँखों पर पट्टियाँ बांध के बिठा देंगे, स्टाल लगा देंगे थोड़े असले का, वो जारी कर देंगे, आप और मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे, फिर किसी सरदार के पांव पकड़ेंगे जाके ये कि 1 महीने के लिए ये अगवा भरा तावान की वारदातें थोड़ी कम करें, ख़त्म तो नहीं कर सकते, थोड़ी कम करें, हमारे लिए मसला हो रहा है। तो अगर सरदार का मूड अच्छा हुआ तो उसने अगर फेजयाब कर दिया किसी को तो उसका मूड है, वरना तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन ये थे सीनियर क्राइम रिपोर्टर मुश्ताक सरगी साहब, इनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि अगर सिंध हुकूमत चाहे
तो कच्चे का इलाका साफ हो सकता है, लेकिन सिंध हुकूमत क्यों चाहेगी, क्योंकि वहां वोटर्स भी बैठे हुए हैं और उनके वडेरे भी बैठे हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।